कर्नाटक गन्ना किसान ने उचित और लाभकारी मूल्य में संशोधन नहीं कर पाने पर विधानसभा की घेरेबंदी की धमकी दी है। किसानों द्वारा यह चेतावनी 13 सितंबर से शुरू होने वाले विधान सत्र से पहले आई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में गन्ने के लिए FRP 50 रुपये बढ़ाकर 2900 रुपये प्रति टन कर दिया था। हालांकि कर्नाटक राज्य गन्ना उत्पादक संघ के अध्यक्ष ने दावा किया कि यह राशि खेती की लागत से बहुत कम है, क्योंकि खेती की लागत लगभग 3200 रुपये प्रति टन है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने गन्ना FRP में 3 साल बढ़ोतरी नहीं की थी। इस बीज, ईंधन और उर्वरक की लागत लगभग 2 गुनी हो गई है। केंद्र सरकार ने चीनी व्यापारियों के साथ मिलीभगत की है और FRP में केवल 50 रुपये की वृद्धि की, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करने का दावा किया और इससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे खोखले हैं और जब FRP खेती की लागत से भी कम, तब किसानों की आय कैसे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी किसान संगठन 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा बुलाएंगे और भारत बंद करने का समर्थन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।